गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. अपने लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपसे अबाउट द डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, और हमने दो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स की डिस्कवरी को स्टडी किया था, दैट वाज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जिनकी डिस्कवरी हुई थी बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एंड एनोड रे एक्सपेरिमेंट रिस्पेक्टिवली. और जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, और आपने देखा कि इनके चार्जेस भी इक्वल एंड अपोजिट है, और एटम न्यूट्रल है. तो ये मान लिया गया कि एटम इसलिए न्यूट्रल है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों इक्वल होते हैं, जो होते भी हैं, ठीक है. लेकिन तब तक किसी ने नहीं सोचा था कि एटम में इन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अलावा कुछ और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हो सकते हैं. लेकिन आगे की स्टडीज ने हमें ये सोचने पर अगेन मजबूर किया कि इन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के साथ साथ कुछ और फंडामेंटल पार्टिकल भी प्रेजेंट है. वो कैसे? आपने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स के मासेज आर नेग्लिजिबल, इलेक्ट्रॉन का लगभग नेग्लिजिबल मास होता है. जो भी मास होता है वो मास किसका होता है? प्रोटॉन का. तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एटम का जो मास है वो प्रोटॉन्स के मास का कोई मल्टीपल होना चाहिए, मतलब इट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन ओनली. लेकिन जब एक्चुअली एटम्स के मासेस को फाइंड किया गया तो ये देखा गया कि एटम्स जितना हम एक्सपेक्ट करते थे उनसे कहीं ज्यादा हैवियर हैं. हम तो एक्सपेक्ट सिर्फ इन बेसिस पे करते थे कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, लेकिन उनके बेसिस पर जो भी इनका मास दिया जाता था उसके कंपेरिजन में एटम्स आर मच हैवियर. तो लोगों को फिर ऐसा लगा कि यस, एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के अलावा कुछ और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं. और इस थ्योरी को और सपोर्ट मिला बाय द एक्सपेरिमेंट विच वॉज परफॉर्म बाय जेम्स चैडविक. तो जेम्स चैडविक ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बेरिलियम एटम पर बम्बार्डिंग कराई थी, किसकी? अल्फा पार्टिकल्स की. और प्रोडक्ट में इनको मिला कार्बन एटम और उसके साथ एक कोई और पार्टिकल. तो जैसे कि आपको पता है बेरिलियम जिसका मास है 9 यूनिट, इसका एटॉमिक नंबर है 4. अल्फा पार्टिकल्स का मास है 4 यूनिट, इन पर चार्ज है 2. अब यहाँ जो कार्बन मिल रहा है आपको, कार्बन का मास तो 12 है लेकिन एटॉमिक नंबर है 6. इसका मतलब क्या है कि इस पूरे प्रोसेस में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 यूनिट ऑफ मास. एक यूनिट मास का आपको डिफरेंस मिल रहा था क्योंकि बिफोर द रिएक्शन यहाँ पर मास टोटल कितना था? 9 + 4 = 13. लेकिन आफ्टर द प्रोसेस जो हमें मास मिल रहा था वो कितना था? दैट वॉज ओनली 12. तो यहां से फिर एक नए पार्टिकल की डिस्कवरी हुई. वो नए पार्टिकल्स क्या थे? दीज न्यू पार्टिकल्स वर नेम्ड एज न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स इसलिए क्योंकि इनका चार्ज कितना था? देवर न्यूट्रल. न्यूट्रॉन्स वर न्यूट्रल. और जिनका मास आप कह सकते हो कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन से थोड़े से हैवी हैं, थोड़ा सा हैवी हैं ये न्यूट्रॉन्स, अदरवाइज दे आर ऑलमोस्ट सेम. तो यहां से वी गॉट द डिस्कवरी ऑफ अनदर फंडामेंटल पार्टिकल, एंड दैट फंडामेंटल पार्टिकल इज न्यूट्रॉन. तो अब आपके सामने क्लियर हो गया कि नाउ द एटम इज हैविंग 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, मास नेग्लिजिबल, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैविंग सम मास, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल ऑल्सो हैविंग सम मास. न्यूट्रॉन्स की इतनी लेट डिस्कवरी होने के दो रीजन्स. पहला रीजन क्या था? ये न्यूट्रल थे, इनको आसानी से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता था. और दूसरा रीजन इनकी लेट डिस्कवरी का क्या था? क्योंकि आप आगे पढ़ोगे, न्यूट्रॉन्स वर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है. तो अब इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी होने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टार्ट हुआ कि व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स इनसाइड द एटम. ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, क्या इनका एटम में कोई डेफिनेट अरेंजमेंट है या ये यूं ही बस दे आर जस्ट फिल्ड, ऐसे ही भरे हुए हैं? इनके लिए टाइम टू टाइम अलग अलग मॉडल्स दिए गए, अलग अलग थ्योरीज दी गई, जिनको हम बोलते हैं मॉडल्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम.
लेकिन उन मॉडल्स पर आने से पहले कुछ और छोटे छोटे टर्म्स जो हम अपनी स्टडीज में यूज करते रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे उनके बारे में आपको जानना चाहिए. सो फर्स्ट सर्च टर्म इज आइसोटोप्स. आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स आप कह सकते हैं दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. तो वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर वो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर्स तो सेम होते हैं लेकिन उनके मास नंबर्स डिफरेंट होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज आइसोटोप्स. फॉर एग्जाम्पल हम केस ले सकते थे कार्बन का. कार्बन के दो आइसोटोप्स कार्बन 12 एंड कार्बन 14. दोनों के केस में इनके एटॉमिक नंबर्स आर सेम दैट इज 6 एंड देयर मास नंबर्स आर 12 एंड 14. ठीक है, तो यहां पर हम एक और चीज यूज कर रहे हैं वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. वैसे तो ये आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा हुआ है लेकिन जस्ट आपको एक रिकॉल बैक कराने के लिए आपको पता है व्हाट इज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या हो गया? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं दैट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर. और अगर ये न्यूट्रल एटम है तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम. लेकिन इसको आप तभी लेंगे जब ये कोई न्यूट्रल एटम है तब. अगर वो आयन है तो फिर ये डेफिनेशन यहां पर होल्ड नहीं करती. ठीक है, तो ये केस हुआ आइसोटोप्स का. अनदर टर्म जो हम यूज करते हैं दीज आर आइसोबार्स. तो आइसोबार्स पर आने से पहले आपने एटॉमिक नंबर तो समझ लिया था. अब एक और टर्म है दैट इज मास नंबर. तो मास नंबर क्या होता है? इट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स होते हैं इनका सम इज इक्वल टू देयर मास नंबर. ठीक है, तो वापस आइए आइसोबार्स पे. आइसोबार्स क्या हो गए? दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर. तो आप देख सकते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स आर बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट. आइसोटोप्स है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. यहां पर एटॉमिक नंबर सेम था लेकिन मास नंबर डिफरेंट है. यहां पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर्स सेम है. फॉर एग्जाम्पल इस केस में आप ले सकते थे केस ऑफ कैल्शियम एंड आर्गन. कैल्शियम और आर्गन दोनों के लिए इनके मास नंबर्स आर 40 लेकिन कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18. तो ये डिफरेंट एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के इनके मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट है इसलिए क्या हो गया? दीज आर आइसोबार्स. इसी सीरीज में एक और टर्म जो कॉमनली यूज होता है वो क्या है? दैट इज आइसो टोन्स. तो आइसोटोन्स क्या है? इनको आप डिफाइन करते हैं एज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर एज वेल एज मास नंबर बट
same number of न्यूट्रॉन्स राइट तो ये क्या हो गए दीज आर आइसोटोन्स आइसोटोन्स डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनके ना तो एटॉमिक नंबर सेम है ना ही मास नंबर सेम है लेकिन क्या सेम है इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम केस ले सकते थे दो एलिमेंट्स का हियर यू कैन टेक द केस ऑफ कार्बन 14 आइसोटोप एंड ऑक्सीजन 16 आइसोटोप तो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 14 यहां पर अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखिए तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 6 कितना हो गया 14 माइनस 6 इज 8 ऑक्सीजन के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया सिमिलरली 16 माइनस 8 इज 8 तो क्योंकि इन दोनों एलिमेंट्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम इसलिए क्या हो गए दीज आर आइसोटोन्स राइट तो आज के लिए आप इतना कंटिन्यू करें एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट द मॉडल्स फॉर एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटम में डिफरेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है इनके लिए टाइम टू टाइम जो थ्योरीज दी गई और उनके लिए जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए दैट विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर गुड बाय टिल देन